हमने सीखा। गर्म और ठंडा एक ही मापक के दो मूल्य हैं। सिर्फ छूकर, देखकर व महसूस कर सटीक तापमान नहीं बताया जा सकता। गर्माहट व ठंडक का सांख्य स्तर तापमान कहलाता है। मापे हुए तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। तापमान में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा के संचरण के लिए सदैव ही माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा संभव है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रवों व गैसों में हो सकता है। ऊष्मा का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। सभी पदार्थों के समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती हैं। इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार के बीच 1:2:3 का अनुपात होता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार दो प्रकार का होता है, आभासी प्रसार व वास्तविक प्रसार। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स ऊष्मीय ऊर्जा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, कैलोरी, तापांतर, ऊष्मीय संचरण, चालन, संवहन, विकिरण, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार, गलन व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।